Let us learn the last set of SQL built-in functions, and these category of function are called aggregate function. Why they are called aggregate function? Because these functions work on multiple values and give answer a single value. ये function बहुत सारे values का input लेता है और उसका answer एक single value में देता है. तो एग्रीगेट फंक्शंस कम अंडर द कैटेगरी ऑफ मल्टीपल रो फंक्शंस. सो द फंक्शंस विच वी आर गोइंग टू लर्न आर काउंट, मैक्स, मिन, एवरेज, सम एंड डिस्टिंक्ट. सो वेरी फर्स्ट फंक्शन इज काउंट फंक्शन. व्हाट डज दिस डू? दिस रिटर्न्स द नंबर ऑफ रोज विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन. सपोज आपको फाइंड करना है कि वलसाड से कितने स्टूडेंट्स आते हैं, तो दैट इज फाइंड करना है. क्या चीज करनी है? काउंटिंग करनी है. तो आप कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हैं? आप कर सकते हैं काउंट फंक्शन को यूज करके. सो दिस फंक्शन रिटर्न्स द नंबर ऑफ रोज इन द टेबल दैट सेटिस्फाइज द कंडीशन स्पेसिफाइड इन द वेयर कंडीशन. इफ द वेयर कंडीशन इज नॉट स्पेसिफाइड, then the query returns the total number of rows in the table. If you are omitting the where clause, then it will return the total number of rows in your table. The syntax is count star or count column name. You can use either of them. So if you want to find number of employees in particular department, एक डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज हैं वो आपको फाइंड करना है, तो आपको लिखना है सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू 101. सो दिस विल रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ डिपार्टमेंट नंबर 101. नाउ इफ यू वांट टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन अ कंपनी और सम फर्म, देन यू कैन राइट सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय. नेक्स्ट फंक्शन इज मैक्स फंक्शन. दिस फंक्शन इज यूज टू गेट द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम अ कॉलम. एक कॉलम में जितनी भी वैल्यूज आपने देख डाली हैं, उन वैल्यूज में से जो मैक्सिमम वैल्यू है अगर वो आपको फाइंड करना है, तो आपको कौन सा फंक्शन यूज करना है? मैक्स फंक्शन. से फॉर एग्जाम्पल, टू गेट द मैक्सिमम सैलरी ड्रॉन बाय एन एम्प्लॉय, द क्वेरी विल बी सिलेक्ट मैक्स इन ब्रैकेट सैलरी. मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, लेकिन कौन से कॉलम की चाहिए? सैलरी कॉलम की चाहिए. इसीलिए व्हाट वी आर राइटिंग? मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय. सो दिस विल रिटर्न द हाईएस्ट सैलरी विच एन एम्प्लॉय इज गेटिंग. नेक्स्ट फंक्शन इज मिन. इट इज द अपोजिट ऑफ मैक्स फंक्शन. मिनिमम फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? इट विल रिटर्न द मिनिमम सैलरी फ्रॉम द सेट ऑफ वैल्यूज. सेट ऑफ वैल्यूज मीन्स व्हाट? Column, and column contains set of values. Say for example, to get the minimum salary drawn by an employee, the query will be select minimum salary from employee. Everywhere these SQL functions, minimum function, maximum function, count function, they are going to take the input as a column, not a single value. They are going to take the whole column as input. And what they are going to return? A single value. Next is average function. Average means what? Sum of total divided by number of observations. So that is your average. So to get the average salary, what you are going to write? We are going to write select AVG. AVG. You don't have to write the complete name average. AVG you have to write, select AVG within bracket salary from employee. So what this is going to return? This is going to return the average salary of the employees. Next function is sum. Now you don't want to get the average, but you want to find the total. Then what you can do? You can use the SQL sum function. So to get the total salary of the employee, what you are going to write? Select sum salary from employee. Sum salary, if I'm telling, that means within parentheses you have to write the column name salary. So this is the end of our SQL built-in function. SQL built-in function khatam hote hain yahan par,
और ये फंक्शंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आपको ये फंक्शंस सिंपल लर्न करने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में सिंपल क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एग्रीगेट फंक्शन और एक्सप्लेन एनी फाइव डेट फंक्शन, एक्सप्लेन एनी फाइव स्ट्रिंग फंक्शन, एक्सप्लेन एनी फाइव नंबर फंक्शन और एक्सप्लेन द कन्वर्जन फंक्शन। सिंपल सा क्वेश्चन रहता है और आपको डायरेक्ट मार्क्स लेने हैं, तो आपको क्या करना है, जितने भी फंक्शंस मैंने एक्सप्लेन किए हैं वो नोटबुक में आप लिख लो, आपका नोट्स बन जाएगा एंड इट इज़ वेरी इजी टू स्कोर मार्क्स। सो खुश रहो, मस्त रहो और स्वस्थ रहो। हैप्पी लर्निंग।